हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आप यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स इन क्रेडिट में। मैं बहुत कैसे लेकर बड़े खबरें आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियोज मिल सके। आज मैं आपको IPL ऑक्शन से सिर्फ एक घंटे पहले आपको उन तेरह खिलाड़ियों के नाम आपको बताऊँगा जिन खिलाड़ियों पर सबसे ज़्यादा नज़र रहेगी। अगर बात की जाए उन तेरह खिलाड़ियों में ही कोई एक टॉप यानी कि सबसे ज़्यादा भी उन्हीं तेरह में से किसी एक खिलाड़ियों को सबसे ज़्यादा बोली भी लग सकती है। ये बहुत ही बेहतरीन क्रिकेटर है और बहुत ही बेहतरीन ये तेरह खिलाड़ी है, इन्हीं पर सबसे ज़्यादा बोली लग सकती है और यही खिलाड़ी सबसे ज़्यादा भी बिक सकते हैं। अगर बात की जाए तो पहला नाम ग्लेन मैक्सवेल 2 करोड़ की बेस प्राइस के साथ IPL ऑक्शन में जुड़ेंगे। और अगर बात की जाए तो बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है और ग्लेन मैक्सवेल पिछले साल किंग्स इलेवन पंजाब की तरफ से खेले हैं और कुछ अच्छा नहीं कर पाए थे, इसलिए उनको रिलीज़ किया गया था। अगर बात की जाए तो दूसरा नाम स्टीव स्मिथ भी 2 करोड़ की बोली 2 करोड़ की बेस प्राइस के साथ है और स्टीव स्मिथ को भी राजस्थान रॉयल ने रिलीज़ किया है। एरोन फिंच को RCB ने रिलीज़ किया है और 1 करोड़ की बेस प्राइस उसको भी है। इसके अलावा कायल जेमिसन न्यूजीलैंड के बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है और ज़बरदस्त गेंदबाजी करते हैं, 36 विकेट लिए हैं और 13 की एवरेज और 33 की स्ट्राइक रेट के साथ बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज है कायल जेमिसन और 75 लाख उसकी बेस प्राइस है। इसके अलावा एलेक्स हेल्स की बेस प्राइस 1.5 करोड़ रुपये है और ये भी बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है और बहुत ही ख़तरनाक खिलाड़ी है। बिग बैश लीग में 543 रन बनाए 161 की स्ट्राइक रेट के साथ। इसके अलावा डेविड मिलान T20 के नंबर 1 बल्लेबाज और बहुत दुनिया के बहुत ही ख़तरनाक T20 स्पेशलिस्ट बल्लेबाज डेविड मिलान 1.5 करोड़ की बेस्ट प्राइस के साथ IPL ऑक्शन में जुड़ेंगे और बहुत ही ख़तरनाक बल्लेबाज है। 19 T20 मुकाबले में 855 रन 53 की एवरेज के साथ और 149 की स्ट्राइक रेट, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है डेविड मिलान और 1.5 करोड़ उनकी बेस्ट प्राइस है। शाकिब अल हसन की बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए है और बहुत ही बेहतरीन आरोन रहे और बहुत ही ख़तरनाक बल्लेबाज और गेंदबाज है और इन पर भी बोली लगेगी। मुस्तफिज़ुर रहमान की बेस प्राइस 1 करोड़ रुपए है और इसको भी अच्छी बोली लग सकती है। जाई रिचर्डसन और बिग बैश लीग के बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी, 1.5 करोड़ उनकी बेस प्राइस है और इन पर भी अच्छी बोली लग सकती है। इसके अलावा लुकमान मीरावाला बहुत ही बेहतरीन इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेटर बड़ौदा की तरफ से लेफ्ट आर्म स्पिनर पेसर और सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी उन्होंने की है और बहुत ही ख़तरनाक गेंदबाज है और फिनिशर जो डेथ स्पेशलिस्ट कहा जाता है इसको और बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज है, उस पर भी बोली लग सकती है। 20 लाख रुपये इसकी बेस प्राइस है। मोहम्मद अजहरुद्दीन ने 137 रनों की रिकॉर्ड तोड़ बल्लेबाजी की है, केरला की तरफ से खेलते हैं और 20 लाख रुपये बेस प्राइस है। इसके अलावा शिवम दुबे RCB की तरफ से पिछले साल खेले हैं और रिलीज़ किया गया है और 50 लाख रुपए बेस प्राइस है, बहुत ही ख़तरनाक खिलाड़ी ये भी है। शाहरुख खान और तमिलनाडु की तरफ से मिडल ऑर्डर में बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं तमिलनाडु की तरफ से और बहुत ही ख़तरनाक बल्लेबाज है और इसकी भी 20 लाख रुपये बेस प्राइस है। और इन्हीं खिलाड़ियों पर आपसे सिर्फ एक घंटे के बाद अब ऑक्शन शुरू होंगे और इन्हीं 13 खिलाड़ियों पर सबसे ज़्यादा नज़र रहेगी। और ज्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको अच्छी वीडियो मिल सके। थैंक